हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, रीडिंग की। और आज हम डिस्कस करेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो जीवनी थी, बायोग्राफी थी, उसको स्टडी करेंगे और उसकी हेल्प से हम इंग्लिश से हिंदी भी कन्वर्ट करेंगे और उनकी लाइफ से थोड़ा सीख सकते हैं, वो भी सीखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंदिरा गांधी बोर्न ऑन नवम्बर 1970। इंदिरा गांधी का जन्म हुआ ऑन नवम्बर 1917। वॉज अ पिवोटल फिगर इन पॉलिटिक्स। पिवोटल वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जिसकी बहुत वैल्यू है। वो क्या थी? पिवोटल फिगर थी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1977। और उन्हें सर्व किया इंडिया को एज अ प्राइम मिनिस्टर, 1966 एंड अगेन फ्रॉम 1980 अंटिल हर एसिनेशन इन 1984। तो इंदिरा गांधी जो कि पिवोटल फिगर थी इंडियन पॉलिटिक्स की, उन्होंने सर्व किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1977 एंड अगेन दोबारा से पीएमशिप संभाला 1980 से लेके 1984, जब तक उनका एसेसिनेशन नहीं हुआ। एसेसिनेशन वर्ड का मतलब होता है उनकी हत्या नहीं हुई, पॉलिटिकल कारणों से अगर हत्या हो जाती है क्या बोलते हैं, एसेसिनेशन बोला जाता। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, वो डॉक्टर किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड कमला नेहरू। वो इंडिया के, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थी, जिनका नाम क्या था? इंदिरा नेहरू। एक्चुअली इंदिरा नेहरू लेटर नोन एज इंदिरा गांधी, बाद में क्या बोला जाने लगा? इंदिरा गांधी आफ्टर हर मैरिज टू फिरोज गांधी। जब इन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली, अब आगे बताया जा रहा है इंदिरा गांधी के बारे में। ग्रू अप इन अ पॉलिटिकली चार्ज्ड एनवायरनमेंट। इनका जो पालन पोषण, बचपन, ग्रोथ हुई, बड़ी हुई एक पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट में बड़ी हुई, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर्स। और इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। शी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर्स नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियल्स। उनके पिता थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे उनका जो नेशनलिस्ट, यानी कि देश के लिए कुछ करना है, सोशलिस्ट आइडियल्स थे कि समाज के लिए कुछ करना, उनसे बहुत प्रभावित थी। हर अर्ली एजुकेशन वॉज डाइवर्स। इंदिरा गांधी की स्टार्टिंग की एजुकेशन अलग अलग तरह की थी, स्पैनिंग जो फैली हुई थी इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड, वे शी डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स एंड पैशन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। जो इंदिरा गांधी की स्टडी थी वो डाइवर्स थी, फैली हुई थी, इंडिया में स्टडी करी, स्विट्जरलैंड में करी एंड इंग्लैंड, और जहां पर शी डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट, उन्होंने डेवलप किया एक गहरी रुचि अपने में, डेवलप करी पॉलिटिक्स के लिए, और उनके मन में एक पैशन जागा, जोश जागा इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारत की जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की, उसके प्रति एक जोश जागा। ओके, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी पॉलिटिकल करियर बिगैन इन अर्नेस्ट आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंट इन 1947। इंदिरा गांधी का जो करियर था वो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया जब भारत ने आजादी ली 1947 की। 1947 की आजादी के साथ साथ ही इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया। शी सर्व इन वेरियस कैपेसिटीज। वेरियस कैपेसिटीज का मतलब है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग लेवल पर उन्होंने सर्व किया विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसमें अलग अलग जगह पे सर्व किया स्टार्टिंग में, इवेंचुअली, इवेंचुअली वर्ड का मतलब होता है आखिरकार, और आखिर में बिकमिंग द पार्टीज प्रेसिडेंट इन 1959। और इन 1959 में अपनी पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी प्रेसिडेंट बन गई। इन 1964, 1964 में फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद शी वॉज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन कैबिनेट। उनकी अपॉइंटमेंट होगी एज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन हिज कैबिनेट। उनकी यहाँ पे नियुक्ति कर देगी एज अ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। हर टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है शासन काल कह सकते हो आप। हर टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर का टाइम था, शासन काल था, विच बिगैन 1966, जो कि शुरू हुआ 1966 में, वॉज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। इसमें क्या बहुत सारे हमारे को पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक एंड सोशल, सामाजिक बदलाव किए गए उनके जो टेन्योर था। शी लेड इंडिया टू टर्बुलेंट टाइम्स। लेड का मतलब होता है लीड करना। लेड का मतलब क्या है? लीड।
इंदिरा गांधी ने भारत को लीड किया टर्बुलेंट टाइम्स में, टर्बुलेंट का मतलब है डिस्टर्ब करने वाले टाइम्स से, जब इंडिया का टाइम डिस्टर्बिंग चल रहा था, डिस्टर्ब करने चल रहा था, उस टाइम इंदिरा गांधी ने भारत को लीड किया, इंक्लूडिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। और इसमें शामिल क्या है, इंडो पाकिस्तान का वो जो 1971 में हुआ था, ये वॉर भी था जब इनका टेन्योर था। तो इस टर्बुलेंट टेन्योर में इंदिरा गांधी ने पूरे देश को लीड किया, विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। वो जो वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ 1971, इसके क्या हुआ, बांग्लादेश की क्रिएशन हुई। दिस मिलिट्री विक्ट्री एनहेंस्ड हर पॉपुलरिटी, और जो ये हमारी मिलिट्री विक्ट्री हुई, जो हमारी युद्ध में जीत हुई, इसने एनहेंस कर दिया, एनहेंस का मतलब बढ़ाना, जो इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी थी बहुत बढ़ा दी डोमेस्टिकली, एंड सॉलिडिफाइड हर पोजिशन भी, हर जगह पर इंदिरा गांधी का नाम हो गया और इससे उनकी पोजिशन सॉलिडिफाई हो गई एज स्ट्रॉन्ग लीडर, कि इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है ऑन द ग्लोबल स्टेज, पूरी दुनिया के अंदर इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, ऐसा इमेज उभर कर सामने आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है। हाउएवर, फिर भी हर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म, उनका शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको बहुत सारा निंदा सहन करनी पड़ी, एंड कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद सहन करने पड़े। द पीरियड ऑफ एमरजेंसी रूल फ्रॉम 1975 टू 1977, जो एमरजेंसी का पीरियड था, भारत में एमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने From 1975 to 1977, during which civil liberties were curtailed, लिबर्टी के दौरान जो सिविल लिबर्टीज थी यानी कि आम लोगों की आजादी थी, उसको कट कर दिया गया, कम कर दिया गया, curtail का मतलब होता है कम करना, remains a contentious chapter in India's history, और ये हमेशा क्या है, contentious chapter रहा है, यानी कि विवाद का chapter रहा है, contentious का मतलब जिसे विवाद पैदा होता है। ये इंदिरा गांधी की लाइफ में जो एमरजेंसी का टाइम था, ये हमेशा और कंटेंशियस चैप्टर रहा है, लोग इसके ऊपर आज भी बहस करते हैं इन इंडियन हिस्ट्री। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, इमरजेंसी के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, इमरजेंसी लगने के बावजूद इंदिरा गांधी पॉलिटिकल एक्यूमन, एक्यूमन का मतलब होता है समझ, इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस थी, समझ थी, एंड रिजोल्व और संकल्प वर वाइडली एक्नॉलेज्ड। इंदिरा गांधी का जो संकल्प था यानी कि रिजोल्व, एंड उनकी जो एक्यूमन था यानी कि उनका ज्ञान, उनका इंटेलिजेंस था भारत की पॉलिटिक्स को लेके, इसको हर कोई सराहता था, मानता था। एंड शी वाज रीइलेक्टेड, और फिर से उनका चुनाव हो गया, चुनी गई वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इन 1980 में वो दोबारा से क्या हुआ, प्रधानमंत्री चुनी गई। ओके, ट्रेजिकली, दुख की बात, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखी होकर, दुख की बात है यहाँ पे, तो हर लाइफ वॉज कट शॉर्ट, उनके जीवन खत्म कर दिया गया। When she was assassinated on October 31, 1984, जब उनकी हत्या की गई 31 अक्टूबर 1984 को by her own bodyguards, उनके खुद के bodyguards के द्वारा, in retaliation, बदले की, retaliate का मतलब होता है वापस हमला करना, in retaliation for her decision, जो उन्होंने निर्णय लिया था उसके बदले में हमला हुआ था उनके ऊपर, एक तरह से उसको retaliate करना होता है, अटैक के बदले में अटैक करना, ऐसा आप कह सकते हो। इन रिटेलिएशन फॉर अ डिसीजन टू ऑर्डर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर, इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया था जो गोल्डन टेंपल है अमृतसर में, वहां पर मिलिट्री एक्शन के लिए, उसकी रिटेलिएशन में हर लाइफ वाज शॉर्टकट, और उनको असैसिनेट कर दिया गया। और अमृतसर, द गोल्डन टेंपल, ये तो सबको पता ही है, द होलीएस्ट सिख श्राइन, और ये क्या है, सबसे पवित्र सिख श्राइन है। हर एसेसिनेशन लेड टू द वाइड स्प्रेड शॉक एंड मॉर्निंग, और इनकी जो हत्या हुई इससे फैल गया, वाइड स्प्रेड का मतलब पूरी जगह फैल गया, शोक फैल गया, मॉर्निंग हैरान, शोक का मतलब हैरान, एंड मॉर्निंग दुख फैल गया अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, एंड डेल्ट अ प्रोफाउंड ब्लो टू द नेशंस पॉलिटिकल लैंडस्केप, और इससे क्या हुआ, एक गहरा झटका लगा भारत की जो राजनीतिक भूमि थी उसको एक झटका लगा। तो ये हमने थोड़ा सा ट्राई किए उनकी बायोग्राफी को करने करने का, आगे समझ आ रहा होगा आप सबको, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी लेगेसी रिमेन्स कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड, इंदिरा गांधी की जो विरासत है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। शी इज रिमेंबर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनको याद किया जाता है अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, संकट के टाइम के लिए उन्होंने डिसीजन लिए, हर कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने वादा किया लोगों से, उसके लिए उसको उनको याद किया जाता है। हर एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज इंडिया, और भारत को मॉडर्न बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए याद किया जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर हर अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज यानी कि रोबदार, अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, रोबदार
एंड कंट्रोवर्शियल डिसीजन और विवाद पैदा करने वाला डिसीजन कंटिन्यू टू बी डिबेटेड अमंग हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, जो उनकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी और उनका कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे, ये हमेशा जो हिस्टोरियंस होते हैं इनके बीच में डिस्कशन का मुद्दा रहता है, एनालिसिस के लिए डिबेट का मुद्दा रहता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है इन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है देखते हैं। इंदिरा गांधी लाइफ एंड करियर आर टेस्टमेंट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लीडरशिप। टेस्टमेंट का मतलब है हम सबूत कह सकते हैं, ठीक है ना, गवाह कह सकते हैं। इंदिरा गांधी का जो लाइफ था, करियर था, ये गवाह है कि लीडरशिप कितनी कॉम्प्लेक्स होती। जैसे भारत एक क्या है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स का मतलब है अलग अलग प्रकार का, एंड डायनेमिक नेशन है लाइक इंडिया। भारत इतना अलग अलग प्रकार का, जिसमें लोग रहते हैं, धर्म है, जातियां हैं, ठीक है ना, इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर लीडरशिप करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये टेस्टामेंट है। हम साफ देख सकते हैं इंदिरा गांधी के जीवन से, उनके करियर से, हर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, उनका प्रभाव भारतीय राजनीति के ऊपर एंड सोसाइटी एंडेवर्स टू दिस डे, आज भी मतलब कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कायम है, ठीक है ना, शेपिंग डिस्कशंस ऑन डेमोक्रेसी। और उनका जो करियर था वो आज कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हैं लोग, और इंडियन डेमोक्रेसी को शेप मिलती है, गवर्नेंस को शेप मिलती है, एंड रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में एक मैसेज आता है कि वुमेन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पूरी दुनिया। तो ये हमने थोड़ा ट्राई किया उनकी बायोग्राफी को कवर करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं। आई गेस ऐसी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने ऑलरेडी अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर की वीडियोज, भगत सिंह जी की भी वीडियो अपलोड की थी, राइट। तो आपने क्या करना है, वीडियोज को देखो आप एंड लाइक गो थ्रू देम, धीरे धीरे आप इनको पढ़ो, एंड बाय द टाइम आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग होगा इंग्लिश की हिंदी कैसे होता है। साथ में बहुत सारे वीडियोज डाली है बेसिक डायलॉग्स के, वोकैबुलरी के, तो वो सब आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।